Before starting the video, I would like to tell you something about ipsguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of the each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ipsguide.com. Now let's move toward our video. Hello friends, welcome to IPS Guide. Today we will solve a puzzle which is based on linear arrangement. Three questions are based on blur duration and two questions are based on direction, and this type of questions are very helpful for LICAAO 2019, and for more quality mock visit www.iwebusguide.com. Let's see what are those questions. This is puzzle based on median. These are the three questions based on blur duration. And these are the two questions based on direction. So friends, I request you all to pause the video and try it by yourself first. सबसे पहले हम लोग पजल देख लेते हैं. यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं. Eight persons B, D, F, J, K, M, R, and T are sitting in a straight row, and all of them are facing north. यहाँ पे क्या बोला गया है कि आठ पर्सन एक रो में बैठते हैं जो कि सारे लोग नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखते हैं. दे ऑल आर हैविंग डिफरेंट कार्स, पोलो, ऑल्टो, नैनो, i10, वेंटो, फिगो, डस्टर एंड वर्ना, बट नॉट नेसेसरी टू बी इन द सेम ऑर्डर. यहाँ पे क्या बोला गया है कि आठ लोग के पास डिफरेंट कार्स हैं. क्लियर. अब यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोला गया देख लेते हैं. ओनली टू पर्सन्स आर सीटिंग बिटवीन द वन हु हैज फिगो एंड आर हु सिट सेकेंड फ्रॉम आइदर वन एंड्स ऑफ द रो. यहाँ पे हु किसके लिए बोला गया है, आर के लिए बोला गया है. क्या बोला गया है कि आर कोई भी एंड से सेकेंड पोजीशन में बैठेगा, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि आर और फिगो के बीच में दो पर्सन यहाँ पे बैठेंगे. क्लियर. फिर यहाँ पे लास्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है एम सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु हैज फिगो. फिगो के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, एम बैठेगा. क्लियर. सो फ्रेंड्स, हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि आर कोई भी एंड से सेकेंड पोजीशन में बैठेगा, और आर और जिस पर्सन को फिगो पसंद है इन दोनों के बीच में दो पर्सन बैठेंगे, और फिगो के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, एम बैठेगा. तो यहाँ पे आर हो सकता है लेफ्ट एंड से सेकेंड पोजीशन में बैठे, हो सकता है राइट एंड से सेकेंड पोजीशन में बैठे. तो यहाँ पे हमें दो केसेस मिल रहे हैं. क्लियर. तो सबसे पहला केस यहाँ पे लेफ्ट एंड से आर को यहाँ पे बैठा देते हैं, तो फिगो कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे फिगो बैठेगा. क्लियर. और फिगो के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, एम बैठेगा. क्लियर. अब सेकेंड केस में हम लोग ले लेते हैं राइट एंड से आर सेकेंड पोजीशन में बैठेगा, और फिगो कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे फिगो बैठेगा, और फिगो के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एम बैठा है. क्लियर. फिर यहाँ पे लिखा है द वन हु हैज i10 सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी. टी के इमीडिएट राइट में वो पर्सन बैठेगा जिसके पास i10 कार है. फिर क्या बोला गया, ओनली फोर पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड जे. यहाँ पे क्या बोला गया है कि टी और जे के बीच में चार लोग बैठते हैं. क्लियर. सो फ्रेंड्स, हम लोग ने पढ़ा कि टी के इमीडिएट राइट में वो पर्सन बैठेगा जिसके पास i10 कार है, और टी और जे के बीच में चार लोग यहाँ पे बैठते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे टी और जे कहाँ कहाँ बैठ सकता है, केस वन में अगर टी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जे होना चाहिए था, पर यहाँ पे पहले से ही हम लोग ने एम को अलॉट करके रखा, तो यहाँ पे टी होगा नहीं.
टी मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा और यहीं पे टी होगा, क्यों? क्योंकि टी अगर यहाँ पे हो जाएगा तो ये कंडीशन तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि टी के इमीडिएट राइट में वो पर्सन बैठेगा जिसके पास I10 कार होगा, क्लियर? तो टी यहीं पे फिक्स हो जाएगा इस पोजीशन में, क्लियर? और जे एक्सट्रीम राइट एंड में, क्लियर? अब हम लोग केस टू देख लेते हैं। केस टू में टी और जे कहाँ कहाँ हो सकते हैं? टी और जे मान लीजिए यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट एंड में 1 2 3 4 यहाँ पे टी या तो जे हो सकते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे टी या तो जे हुआ 1 2 3 4 यहाँ पे तो टी और जे हो नहीं सकते, क्योंकि क्यों यहाँ पे पहले से आर को हम लोग ने अलॉट किया है, यहाँ पे तो टी और जे होगा नहीं। मान लीजिए टी और जे यहाँ पे है 1 2 3 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी या तो जे हो जाएगा, ये और यहाँ पे तो टी हो नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि टी के इमीडिएट राइट में I10 पर्सन बैठेगा, ये तो यहाँ पे एक्सट्रीम राइट एंड में जे फिक्स हो जाएगा और इस पोजीशन में टी फिक्स हो जाएगा, पर इस पोजीशन में और इस पोजीशन में टी या तो जे हो सकता है, इस पोजीशन में टी या तो जे हो सकता है। तो हमें यहाँ पे टोटल कितने पॉसिबिलिटी मिले? दो पॉसिबिलिटी मिले, यहाँ पे टी या तो जे हो सकते हैं, यहाँ पे टी या तो जे हो सकते हैं, और यहाँ पे तो टी होगा और इस जगह में जे होगा, क्लियर? पर फ्रेंड्स इस केस में हम लोग ने पढ़ा एक कंडीशन कि टी के इमीडिएट राइट में I10 होना चाहिए, पर यहाँ पे टी के इमीडिएट राइट में क्या है, फीगो है, तो I10 तो हम लोग प्लेस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये केस यहाँ पे क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, क्लियर? सो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी मिले, क्लियर? यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला गया, द वन हु हैज डस्टर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज विंटो, मींस विंटो के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में वो पर्सन बैठेगा जिसको डस्टर कार पसंद है, ये फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वन हु हैज नैनो सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन में नैनो कार बैठेगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज मेनी पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी इज सेम एज राइट ऑफ द वन हु हैज बर्ना, यहाँ पे क्या बोला गया है कि बी के लेफ्ट में जितने भी पर्सन होंगे उतने ही पर्सन वर्ना के राइट में होने चाहिए। फिर क्या बोला गया है कि बी डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, बी कोई भी एंड पे नहीं बैठेगा, टी डज नॉट हैज बर्ना कार, क्लियर? फिर नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे, एज मेनी पर्सन सीटिंग बिटवीन द वन हु हैज नैनो एंड डी इज सेम एज बिटवीन डी एंड द वन हु हैज ऑल्टो, यहाँ पे क्या बोला गया कि नैनो और डी के बीच में जितने भी लोग होंगे उतने ही लोग डी और ऑल्टो के बीच में होने चाहिए, बी डज नॉट लाइक ऑल्टो, बी को ऑल्टो कार पसंद नहीं है, क्लियर? K is not an immediate neighbor of the one who has alto. यहाँ पे क्या बोला गया है कि K immediate neighbor नहीं है उस person के जिस person के पास alto car है, clear? So friends सब लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि Vento के left में third position में Duster होगा, फिर हम लोग ने पढ़ा कि B के left में second position में Nano car होगा, बी एंड पे नहीं बैठेगा, बी के लेफ्ट में जितने भी पर्सन होंगे उतने ही पर्सन वर्ना कार के राइट में होने चाहिए, टी वर्ना कार पसंद नहीं करते हैं, नैनो और डी के बीच में जितने भी लोग होंगे उतने ही लोग डी और ऑल्टो के बीच में होने चाहिए, बी को ऑल्टो कार पसंद नहीं है, और के उस पर्सन के इमीडिएट नेबर नहीं होगा जिस पर्सन को ऑल्टो कार पसंद है, ये सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग केस वन देख लेते हैं। केस वन में ये वाला कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, वेंटो के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में डस्टर होना चाहिए, तो वेंटो यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वेंटो के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में डस्टर है, तो डस्टर के लिए यहाँ पे तो सीट बच ही नहीं रहा, अगर इन पोजीशन में अगर हो जाए तो नहीं हो रहा,
तो यहाँ पे अगर वेंटो हो जाता है तो डस्टर कहाँ पे होगा, यहाँ पे डस्टर होगा। वेंटो अगर यहाँ पे हो जाता है तो डस्टर कहाँ पे होना चाहिए था, इस पोजीशन पे होना चाहिए था, पर यहाँ पे पहले से ही हम लोग ने आई टेन को फिक्स किया हुआ है इस केस में, तो यहाँ पे तो वेंटो हो नहीं सकता है। अगर वेंटो यहाँ पे भी हो जाए तो डस्टर होगा नहीं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहले से ही हम लोग ने फीगो को यहाँ पे प्लेस करके रखा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक ही पोजीशन मिल रहा है वेंटो और डस्टर के लिए, क्लियर। अब हम लोग ये वाला कंडीशन देख लेते हैं, बी के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन में नैनो होगा, तो यहाँ पे बी कहाँ कहाँ हो सकता है, बी अगर यहाँ पे हो जाए तो नैनो यहाँ पे होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या है, फ्रीगो हम लोग ने पहले से प्लेस किया है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है बी। यहाँ पे अगर बी हो जाए तो नैनो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नैनो हो जाएगा, ये। अब हम लोग ये वाला कंडीशन देख लेते हैं, क्या बोला गया है कि बी के लेफ्ट में जितने भी पर्सन होंगे उतने ही पर्सन वर्णा के राइट में होने चाहिए। तो बी के लेफ्ट में यहाँ पे कितने पर्सन है, 1, 2, 3 पर्सन है, तो वर्णा के राइट में भी 3 पर्सन होने चाहिए, 1, 2, 3, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वर्णा होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या है, पहले से ही हम लोग ने फिक्स किया है फ्रीगो को, तो ये केस यहाँ पे क्या हो जा रही है, रॉन्ग हो जा रही है, ये। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग केस 2 देख लेते हैं, तो यहाँ पे वेंटो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इस पोजीशन में हो सकते हैं, इस पोजीशन में हो सकते हैं, इस पोजीशन में हो सकते हैं। वेंटो अगर इस पोजीशन में हो जाए तो डस्टर कहाँ पे होगा, 1, 2, 3, यहाँ पे डस्टर होगा। अगर वेंटो इस पोजीशन में हो जाए तो डस्टर कहाँ पे होगा, 1, 2, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डस्टर हो जाएगा, ये। अगर वेंटो इस पोजीशन में हो जाए तो डस्टर कहाँ पे हो जाएगा, 1, 2, 3, यहाँ पे डस्टर हो जाएगा। तो हमें केस 2A के फिर से 3 पॉसिबिलिटी मिल रहे हैं वेंटो के, वेंटो हो सकते इस पोजीशन में हो, हो सकते इस पोजीशन में हो, हो सकते इस पोजीशन में हो, ये। अब हम लोग ये वाला कंडीशन देख लेते हैं, बी के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन में नैनो कार होना चाहिए और बी एंड पे नहीं बैठेगा, तो बी कहाँ कहाँ यहाँ पे बैठ सकते हैं, बी अगर इस केस में यहाँ पे बैठे तो बी के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन में यहाँ पे नैनो होना चाहिए था, पर यहाँ पे पहले से ही हम लोग ने डस्टर को बैठा के रखा है, तो यहाँ पे तो बी होगा नहीं। बी मान लीजिए यहाँ पे है तो नैनो यहाँ पे हो जाएगा, ये। अब हम लोग ये वाला कंडीशन, बी के लेफ्ट में कितने पर्सन है यहाँ पे, 1, 2, तो वर्णा के राइट में उतने ही पर्सन होने चाहिए, वर्णा के राइट में 2 पर्सन होने चाहिए, 1, 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्णा हो जाएगा, ये। पर हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि टी को वर्णा कार पसंद नहीं है, ये। और बी तो यहाँ पे बैठेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि बी एंड पे नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, ये। अब इस केस में बी कहाँ कहाँ हो सकते, बी हो सकते इस केस में, यहाँ पे हो सकते है, यहाँ पे हो, यहाँ पे तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो एंड पे बैठ ही नहीं सकते हैं बी, और यहाँ पे अगर बी बैठा दिए तो नैनो के लिए पोजीशन बच नहीं रहा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे बी है और नैनो यहाँ पे है, तो बी के लेफ्ट में कितने पर्सन हो रहे हैं, 1, 2, तो वर्णा के राइट में भी उतने ही पर्सन होने चाहिए, 1, 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो वर्णा होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बी यहाँ पे होगा नहीं, ये। मान लीजिए बी यहाँ पे है तो बी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन में यहाँ पे नैनो होगा, ये। बी के लेफ्ट में कितने पर्सन हो रहे हैं, 1, 2, 3, तो वर्णा के राइट में भी 3 पर्सन होना चाहिए, 1, 2, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्णा हो जाएगा, ये। अब फ्रेंड्स, इस केस में बी कहाँ कहाँ हो सकते हैं, बी हो सकते हैं इस केस में यहाँ पे हो, हो सकते हैं इस केस में यहाँ पे हो, बी यहाँ तो हो नहीं सकता है, अगर हो जाएगा तो नैनो के लिए सीट नहीं बचेगा, बी एंड पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बी मान लीजिए यहाँ पे हो गया तो नैनो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और बी के लेफ्ट में कितने पर्सन हो रहे हैं, 1, 2, 3, तो वर्णा के राइट में भी उतने ही पर्सन होने चाहिए, 1, 2, 3, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो वर्णा होना चाहिए, तो पर यहाँ पे पहले से ही हम लोगों ने डस्टर को बैठा के रखा है, इसका मतलब यहाँ पे बी होगा नहीं। बी मान लीजिए यहाँ पे है
तो नैनो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नैनो आ जाएगा, और बी के लेफ्ट में 2% है तो वर्ना के राइट में भी 2% होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ना हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग केस टू बी देख लेते हैं। केस टू बी में वेंटो कहाँ कहाँ हो जाएगा, वेंटो यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, इन सारे पोजीशन में तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वेंटो अगर इस पोजीशन में हो गया 1 2 3 यहाँ पे डस्टर होना चाहिए, पर यहाँ पे फीगो बैठा होगा। अगर वेंटो यहाँ पे हुआ तो डस्टर यहाँ पे होना चाहिए, पर यहाँ पे पहले से I10 को हम लोग ने फिक्स करके रखा है और कोई पोजिशन यहाँ पे बच नहीं रहा, यही दो पोजिशन बच रहा है, तो हमें यहाँ पे केस टू बी के भी दो पॉसिबिलिटी मिले। ये अब फ्रेंड्स हम लोग ये वाला केस देख लेते हैं। इस केस में क्या बोला है कि बी के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन में नैनो होना चाहिए, बी यहाँ पे तो हो नहीं सकते इस केस में, क्यों, क्योंकि बी इन पे नहीं बैठेगा, बी अगर यहाँ पे बैठ जाता है तो सेकेंड पोजिशन में यहाँ पे नैनो होना चाहिए था बी के लेफ्ट में, और यहाँ पे क्या है I10 है, तो बी यही पे बैठेगा और नैनो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नैनो हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा कि बी के लेफ्ट में जितने भी पर्सन होंगे उतने ही पर्सन वर्ना के राइट में होने चाहिए, तो बी के लेफ्ट में कितने पर्सन है 1 2, तो वर्ना के राइट में भी 2% होने चाहिए 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ना हो जाएगा। ये अब हम लोग ये वाला केस देख लेते हैं। इस केस में बी कहाँ कहाँ होगा, बी यहाँ पे तो होगा नहीं, एंड पे नहीं बैठेगा, बी यहाँ पे भी नहीं हो सकते है, बी यही पे बैठेगा, बी के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन में नैनो, अब बी के लेफ्ट में 2% है तो वर्ना के राइट में भी 2% होने चाहिए, पर यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है वेंटो हम लोग ने पहले से अलॉट करके रखा है, तो यहाँ पे तो बढ़ना पॉसिबल है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा ये केस यहाँ पे क्या होंगे रॉन्ग होंगे। क्लियर? अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नैनो और डी के बीच में जितने भी पर्सन होंगे उतने ही पर्सन डी और ऑल्टो के बीच में होने चाहिए। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे केस टू ए देख लेते हैं। सबसे पहले केस टू ए में इस केस में डी कहाँ कहाँ हो सकते हैं, डी हो सकते हैं यहाँ पे हो सकते हैं यहाँ पे हो सकते हैं यहाँ पे हो। ये तो डी और नैनो के बीच में कोई पर्सन तो होंगे, नैनो तो डी हो नहीं सकते, यहाँ पे तो डी हो नहीं सकते। ये डी और नैनो के बीच में यहाँ तो कोई पर्सन बैठे हुए नहीं है, इसका मतलब क्या है डी और ऑल्टो के बीच में भी कोई पर्सन होने नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऑल्टो के लिए तो जगह ही नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे तो डी होगा नहीं, डी अगर यहाँ पे हो जाता है तो डी और नैनो के बीच में कितने पर्सन है 1 2 3 4 5 5% है, तो डी और ऑल्टो के बीच में भी 5% होना चाहिए, 1 2 3 4 5 यहीं पे होना चाहिए तो ऑल्टो, पर यहाँ पे तो हो नहीं सकता, क्यों, यहाँ पे पहले से ही हम लोग ने नैनो को फिक्स करके रखा है, तो ये केस यहाँ पे क्या हो गई रॉन्ग हो गई। ठीक, अब हम लोग ये वाला केस देख लेते हैं। इस केस में डी कहाँ कहाँ हो सकते हैं, डी यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं और यहाँ पे हो सकते हैं। मान लीजिए डी यहाँ पे है तो डी और नैनो के बीच में यहाँ पे कितने पर्सन हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6 हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है डी और ऑल्टो के बीच में भी 6 होने चाहिए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे डी हो नहीं सकते। डी मान लीजिए यहाँ पे है तो डी और नैनो के बीच में कितने पर्सन है 1 2, तो डी और ऑल्टो के बीच में भी 2% होने चाहिए, 1 2 यहाँ पे क्या होना चाहिए था ऑल्टो होना चाहिए था, पर यहाँ पे पहले से ही हम अपने I10 को यहाँ पे फिक्स करके रखे, तो यहाँ पे भी डी पॉसिबल है नहीं। डी मान लीजिए यहाँ पे है तो डी और नैनो के बीच में यहाँ पे तो कोई पर्सन है नहीं, तो ऑल्टो यहाँ पे होना चाहिए, डी और ऑल्टो के बीच में भी कोई पर्सन है नहीं, पर यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बी को ऑल्टो कार पसंद नहीं है, तो यहाँ पे ये केस में यहाँ पे क्या हो गई रॉन्ग हो गई। ये सो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे बस एक ही केस बच रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे डी कहाँ कहाँ हो सकते हैं, डी यहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, पर यहाँ पे तो डी हो नहीं सकते, क्यों, नैनो और डी के बीच में यहाँ पे कितने पर्सन हो जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6% हो जा रहे हैं, तो डी और ऑल्टो के बीच में भी यहाँ पे 6% होने चाहिए, जो कि पॉसिबल है नहीं, तो डी यहाँ पे होगा नहीं। मान लीजिए डी यहाँ पे है तो ऑल्टो को यहीं पे होना चाहिए, पर ये भी पॉसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि बी को ऑल्टो कार पसंद नहीं है, ये तो डी यहाँ पे होगा नहीं। डी
यहाँ पे हो जाता है तो डी और नैनो के बीच में कितने लोग हैं यहाँ पे, वन टू, तो डी और ऑल्टो के बीच में भी दो लोग होने चाहिए, वन टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल्टो हो जाएगा, ये। फिर ये वाला कंडीशन बाकी है कि के उसके इमीडिएट नेबर नहीं होगा जिसके पास ऑल्टो कार है, तो के यहाँ पे तो होगा नहीं, के कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा, ये। और यहाँ पे कौन सा पर्सन बैठेगा, एफ बैठेगा, और यहाँ पे कौन सा कार बाकी है, ओलो, ये। सो फ्रेंड्स, ये तो रहा हम लोग फाइनल अरेंजमेंट। अब हम लोग इस पजल के क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन वन, एफ हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कार, एफ के पास कौन सा कार है, वेंटो, तीन ऑप्शन में से कौन सा सही है, ऑप्शन सी वेंटो, ये। क्वेश्चन टू, इफ के इज रिलेटेड टू ऑल्टो, इफ के इज रिलेटेड टू ऑल्टो एंड जे इज रिलेटेड टू पोलो इन अ सर्टेन वे, जे इज रिलेटेड टू पोलो, देन एम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एम इज रिलेटेड टू फिगी होगा, तीन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, ये। क्वेश्चन थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑप्शन ए, ओनली वन पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज ऑल्टो, ऑल्टो के लेफ्ट में क्या ओनली वन पर्सन बैठा हुआ है, नहीं, ये रॉन्ग, ऑप्शन बी, जे सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज वर्ना, वर्ना के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन में जे बैठा हुआ है क्या, वन टू, यहाँ पे तो जे बैठा हुआ नहीं, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ऑप्शन सी, मोर देन टू पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड द वन हु हैज ऑल्टो, डी और ऑल्टो के बीच में क्या मोर देन टू पर्सन है, डी और ऑल्टो के बीच में मोर देन, नहीं, ये भी गलत, ऑप्शन डी, बी एंड द वन हु हैज फिगो आर इमीडिएट नेबर, बी और फिगो के इमीडिएट नेबर है, हाँ ये सही है, तो क्वेश्चन थ्री का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन फोर, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन के एंड द वन हु हैज फिगी, के और फिगी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ओनली वन, इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, वन, ये। क्वेश्चन फाइव, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पजल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड में कौन कौन बैठा हुआ है, टी और एफ बैठा हुआ है, इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ई, एफ टी, ये। अब फ्रेंड्स हम लोग ब्लड रिलेशन कर लेते हैं, ब्लड रिलेशन के तीन क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ ए एट द रेट बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, इफ ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए डॉलर बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए हैश बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, A and B means A is the daughter of B and A star B means A is the sister of B. तो यहाँ पे क्वेश्चन वन क्या दिया हुआ है, इन द एक्सप्रेशन M एट द रेट B हैश B स्टार S एट द रेट K हैश T. तो यहाँ पे M एट द रेट B का मतलब क्या है, M is the husband of B. M is the husband of B. फिर यहाँ पे क्या बोला है, B hash V. B is the mother of V. V is the mother of V. तो ये पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो सकता है. फिर V star S का मतलब क्या है, V is the sister of S. तो यहाँ पे V क्या हो जाएगा, फीमेल, और वी इज द सिस्टर ऑफ एस, ये एस एट द रेट के मतलब एस इज द हस्बैंड ऑफ के, तो यहाँ पे एस पॉजिटिव हो जाएगा, के नेगेटिव, ये। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, के हैश टी मीन्स के इज द मदर ऑफ टी, K is the mother of T. तो यहाँ पर T का हम लोगों को जेंडर पता नहीं चल रहा, T हो सकता है मेल हो या तो फीमेल,
फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ इज टी रिलेटेड टू एम. यहाँ एम क्या बोलेगा टी को, टी का यहाँ पे तो जेंडर ही हमें पता नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो ग्रैंड डॉटर हो या ग्रैंड सन हो या ग्रैंड फादर हो. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ये यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख के भी बता सकते हैं. यहाँ पे लास्ट में टी दिया हुआ है, के हैश टी मीन्स के इज द मदर ऑफ टी. तो यहाँ पे टी का तो हमें जेंडर ही नहीं पता चल रहा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड. यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि हाउ इज टी रिलेटेड टू एम, एम क्या बोलेगा टी को. जब तक यहाँ पे जेंडर पता नहीं चलेगा तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो ग्रैंड डॉटर हो, ग्रैंड सन हो या ग्रैंड फादर हो, नहीं बता सकते हैं ना. तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ये क्वेश्चन टू, इन द एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हो गया है, क्या दिया गया है, जे परसेंटेज सी. तो यहाँ पे जे इज द फादर ऑफ सी, जे इज द फादर ऑफ सी. फिर सी डॉलर के, सी इज द ब्रदर ऑफ के, सी ब्रदर ऑफ के एंड एन, के इज द डॉटर ऑफ एन, के इज द डॉटर ऑफ एन. मतलब यहाँ पे जे और एन क्या है, कपल है, ठीक है. फिर यहाँ पे क्या बोला है, एन स्टार वी, एन इज द सिस्टर ऑफ वी, एन इज द सिस्टर ऑफ वी, ठीक है. फिर वी एंड डब्ल्यू, वी इज द डॉटर ऑफ डब्ल्यू, वी इज द डॉटर ऑफ डब्ल्यू, डॉटर ऑफ डब्ल्यू हो गया. यहाँ पे W का हमें जेंडर पता नहीं है, तो हो सकता है मेल हो या तो फीमेल हो. ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, हाउ इज V रिलेटेड टू J. तो यहाँ पे क्या होगा कि J क्या बोलेगा V को. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि V क्या है, सिस्टर इन लॉ है किसके, J के. तो ये ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन B. ये क्वेश्चन थ्री, इन द एक्सप्रेशन टी हैश जेड, टी इज द मदर ऑफ जेड, टी इज द मदर ऑफ जेड. फिर क्या लिखा हुआ है, जेड डॉलर क्यू, जेड इज द ब्रदर ऑफ क्यू, क्यू एट द रेट वी, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ वी. V hash N, V is the mother of N, V is the mother of N, N star V, N star B, N is the sister of B. तो यहाँ पे हमें B का gender नहीं पता चल रहा है, हो सकता है मेल हो या फीमेल हो. फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, टी क्या बोलेगा वी को. तो यहाँ पे टी क्या बोलेगा वी को, डॉटर इन लॉ है. तीन ऑप्शन में से कौन से सही होगा, ऑप्शन ई, डॉटर इन लॉ. क्लियर. अब हम लोग डायरेक्शन क्वेश्चन देख लेते हैं, दो क्वेश्चन दिए गए हैं हमें डायरेक्शन के. यहाँ पे क्या बोला गया है, पॉइंट ए इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, बी के वेस्ट में पॉइंट ए है, डिस्टेंस क्या है 6 मीटर, ठीक. फिर क्या बोला गया है, पॉइंट सी इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी के साउथ में पॉइंट सी है, डिस्टेंस क्या है 4, ठीक. पॉइंट डी इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी के वेस्ट में पॉइंट डी है,
डिस्टेंस क्या है 8, क्लियर। फिर क्या बोला है, पॉइंट डी इज 3 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, ई के नॉर्थ में पॉइंट डी है, डिस्टेंस क्या हो गया 3। फिर क्या बोला गया है, विच, विच यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, पॉइंट ई के लिए। क्या बोला गया है कि पॉइंट ई इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, पॉइंट एफ के ईस्ट में पॉइंट ई है, डिस्टेंस क्या है 5 मीटर है। तो यहां पे एफ हो जाएगा और डिस्टेंस क्या होगा 5, ये। फिर क्या बोला गया है, पॉइंट जी इज 9 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ, पॉइंट एफ के नॉर्थ में पॉइंट जी है और डिस्टेंस क्या है 9। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा और डिस्टेंस क्या हुआ 9 हो गया, ये। अब क्या बोला गया है, पॉइंट एच इज 7 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट जी, पॉइंट जी के ईस्ट में पॉइंट एच है, तो एच यहां पे हो जाएगा और डिस्टेंस क्या है 7 है। मैंने यहां पे पॉइंट एच क्यों लिया, 8 प्लस 5 कितना आता है 13 मीटर, 7 प्लस 6 करेंगे तो भी 13 आएगा, इसका मतलब यहां पे 7 आएगा, 7 प्लस 6 करेंगे 13 और 8 प्लस 5 कर रहे हैं तो भी 13 आ रहा है, क्लियर। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट एच, पॉइंट सी एंड पॉइंट एच का यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बताना है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ये। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग कैसे लगाएंगे, ऐसे एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये पार्ट क्या हो गया, ये डिस्टेंस 6 हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया 6, कैसे, ये डिस्टेंस अगर 9 है और ये डिस्टेंस अगर 3 है तो 9 माइनस 3 कितना आएगा 6, तो ये क्या हो गया डिस्टेंस 6, क्लियर। इस पॉइंट को मान लेते हैं पी है, हमें एच सी निकालना है, तो एच सी स्क्वायर इक्वल्स ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर कितना होता है 36, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है ए पी का डिस्टेंस 6 है तो 36, पी सी का भी यहाँ पे 6 है तो 36, तो कितना आ रहा है 72। अब हमें क्या करना है, रूट निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कितना आएगा 6 रूट 2, इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, क्लियर। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में हमें पॉइंट जी का डायरेक्शन बताना है, तो ये डायरेक्शन क्या है नॉर्थ वेस्ट, तीन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्ट, क्लियर। होप यू लाइक all this question, do like, comment if you have any doubt regarding this question and share with your friends and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you friends for watching. Have a nice day.